दिल्ली और मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीसीसीआई का बड़ा फैसला, दिल्ली और मुंबई में वर्ल्ड कप में मैच में आतिशबाजी नहीं होगी, ये बीसीसीआई ने कहा है। मुंबई में कल भारत श्रीलंका का मैच होना है। जयशाह के मुताबिक आईसीसी से उन्होंने इस बारे में बात कर फैसला किया है। दिल्ली और मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीसीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के मुताबिक अब दिल्ली और मुंबई में जितने भी बचे हुए विश्व कप के मैचेस होने हैं उसमें आपको आतिशबाजी देखने को नहीं मिलेगी। इस वानखेड़े स्टेडियम में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर भारत और श्रीलंका का मुकाबला कल खेला जाना है, जहां पर जीत के बाद भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा, लेकिन उस जीत के बाद भी आपको आतिशबाजी दिखाई नहीं देगी। जय शाह के मुताबिक आईसीसी के साथ उन्होंने इस बारे में चर्चा की और इस फैसले पर अमल लाया गया है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर दिल्ली और मुंबई में लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वेरी पुअर क्वालिटी तक जा चुका है, तो मुंबई में पुअर की क्वालिटी पर एक्यूआई की क्वालिटी आपको देखी जा सकती है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है कि अपनी तरफ से इस प्रदूषण को रोकने का कोई कदम अगर वो उठा सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि मैच के बाद जो हमने देखा है अब तक के वर्ल्ड कप के हर मुकाबले के बाद जब खत्म होता है तो आतिशबाजी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अब दिल्ली और मुंबई में जो बाकी बचे मैच हैं इनमें आपको आतिशबाजी देखने को नहीं मिलेगी। मुंबई में जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में कल मुकाबला होना है, उसके अलावा एक और ग्रुप स्टेज का मुकाबला है जो 7 नवंबर को खेले जाना, और फिर सेमीफाइनल का एक मुकाबला भी इसी वानखेड़े स्टेडियम में होना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ एक ही मैच बाकी रह गया है, बांग्लादेश और श्रीलंका का, जो कि 6 नवंबर को होना है। और इसी वजह से, क्योंकि इस वक्त दिवाली से पहले जो प्रदूषण की स्थिति है हम देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह पर, वहाँ पर लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, तो अपनी तरफ से बीसीसीआई ने ये कदम उठाया है और जय शाह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इन मैचेस में आपको आतिशबाजी नहीं देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, मुंबई।